कि हम प्राइस राइज के बारे में बात कर रहे हैं, हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कंज्यूमर के बारे में क्या बात कर रहे हैं? रिलायंस जियो की तरफ से सजेशन आया है कि फ्लोर टैरिफ को लागू किया जाए और 1 GB डाटा की कीमत 20 रुपए कर दी जाए। साथ ही साथ कुछ समय पहले मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि आने वाले जून 2020 से हो सकता है कि जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ जाएं और आपको ज्यादा पे करना पड़े। लेकिन वहां पे जो रिलायंस जियो के द्वारा नंबर्स दिए गए थे वो 10 रुपया दिया गया था, भारतीय एयरटेल के द्वारा 16 और वोडाफोन आइडिया के द्वारा 22। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो बोला जा रहा है वो 35 रुपए बोला जा रहा है और जियो जो कह रहा है वो 20 रुपए कह रहा है। अब प्राइस राइज होने के कारण क्या क्या बातें नई उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जियो के द्वारा क्या कहा गया है। जियो ये कह रहा है कि अभी मार्केट कंडीशन इतने बुरे हाल में है कि इसको स्टेबल करने के लिए जो फ्लोर प्राइस है उनको तय करना चाहिए, और जैसे ही हम फ्लोर प्राइस को तय करते हैं तो आने वाले 6 महीने के अंदर 2 से 3 ट्रेंचेस के अंदर आपको डेटा के रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। पहले आपको 10 रुपए के आसपास रखना होगा, फिर 15 रुपए और फिर 20 रुपए। इससे फायदा यह हुआ कि कस्टमर जो है प्राइस सेंसिटिव है इंडिया के अंदर, और इससे वो लोगों को मालूम नहीं चल पाएगा कि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और धीरे धीरे हम बढ़ा लेंगे प्राइस को। ये जियो की तरफ से बोला गया है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये ईटी नाउ, टेलीकॉम टॉक और जितने भी बड़े वेबसाइट हैं सबने चलाई है ये खबर। आप जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सबने ये खबर चलाई हुई है, आप जाके इसको क्लैरिटी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि बंद होने के कगार पे है और इसके पास बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि पे करने के लिए है और इनके पास पैसे नहीं देने को। लेकिन वहीं पे जियो और एयरटेल दोनों अच्छी रन करती हुई कंपनीज है। सबसे बढ़िया बात जियो के बारे में कि जियो के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जियो इस टाइम का अच्छे तरीके से लाभ उठाना चाहता है। अगर 20 रुपए प्रति जीबी कर दिया जाता है डेटा को तो आपको मालूम होगा कि अभी फिलहाल जियो के नंबर्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले जो मंथ में बढ़ोतरी हुई थी 80,000 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया था। अगर 20 रुपए प्रति जीबी कर दिया जाता है डेटा को और जियो अपने प्राइसेस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता है, जो कि आज की रेट में 4.5 रुपए के आसपास आपको 1 GB के लिए देना पड़ता है अगर आप 555 का रिचार्ज कराते हो तो, और जियो उसको बढ़ा के 7 या 8 रुपए करते हैं, तो जियो का जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो 200% हो जाएगा। उसके बाद भी 20 रुपए से बहुत कम रहेगा। तो कोशिश ये कर रहा है जियो की एक बार फ्लोर प्राइस अगर फिक्स हो जाता है तो अपने रेट को हम कम कर सकते हैं। चाहे घाटा किसका है, घाटा हम सभी लोगों का है। आपको मालूम होगा कि COAI जो कि देखती है सारा मतलब काम इन लोगों का, जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं इनके साथ मिलके ये काम करते हैं और एक एसोसिएशन है ये, इनके द्वारा कुछ समय पहले, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी चलाई थी जिसमें बताया गया था कि अभी जरूरत है फ्लोर प्राइसिंग की, और इसके लिए 17 दिसंबर 2019 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया था। और उस पेपर के बाद जो COAI है उनके द्वारा बोला गया कि प्राइस राइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत परेशानी से गुजर रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री। और उसी के बाद 10, 20 और जो 22 रुपए का जो मैटर था वो आया, ये वाला जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन फिलहाल जियो की तरफ से बोला जा रहा है कि 20 रुपए कर दिया जाए। अब अगली बात नीति आयोग की तरफ से, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि अगर फ्लोर प्राइसिंग किया जाता है तो इससे मार्केट डिस्टर्ब होगा और फ्लोर प्राइसिंग के बाद कंज्यूमर्स को बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। और ये आप पूरा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन लोगों को कैसे कहना है कि आपको जो समस्याएं होने वाली है उसके बारे में नीति आयोग बात कर रहा है। एयरटेल वोडाफोन आइडिया भी अपनी बातें रख रहा है कि फ्लोर प्राइसिंग फिक्स होनी चाहिए। जियो कह रहा है कि फ्लोर प्राइसिंग फिक्स होना चाहिए लेकिन उसका तरीका कैसे होना चाहिए उसके बारे में वो बात कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल के आ रही है वो बुरी है और आने वाले कुछ समय के अंदर हो सकता है कि आपके डेटा का जो रेट है वो बढ़ जाए। अभी के हिसाब से 126 GB डाटा 555 रुपए मिलता है जो कि 4.40 रुपए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर 20 रुपए प्रति जीबी डाटा हो जाता है तो आपको पता है कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, लगभग 2500 रुपए 3 महीने के लिए, मतलब 84 डेज के लिए। तो ये बात अब कंफर्म होती हुई जा रही है कि 400 से 500 रुपए बिल अब मंथली आने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर। होता क्या है, कोई कंपनी एकदम से अपडेट को नहीं बढ़ा रही है। आपने जियो के तरफ से देखा होगा कि जियो ने अपने रेट्स को धीरे धीरे करके इंक्रीज कर दिए। कैसे इंक्रीज किए, अपने जो दिन थे टैरिफ वैलिडिटी के उसको कम कर दिया, 365 से 336 पर लेके आ गए। वैसे ही कुछ प्लान्स के बारे में उनकी जानकारी अभी पूरी निकल के नहीं आ रही, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो भी आएंगे कि हो सकता है कि उनके अंदर भी इंक्रीज हो जाए। तो ये सब चीजें चल रही है अभी मार्केट के अंदर। मई जून जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा फिर से एक प्राइस हाइक, और उस प्राइस हाइक के साथ हम लोगों को नुकसान होगा। कोई भी इंसान या कोई भी एंटिटी या कोई भी कंपनी आज की डेट में ये बात नहीं कर रहा कि हम प्राइस राइज के बारे में बात कर रहे हैं, हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कंज्यूमर के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कंज्यूमर को हम पूरी सुविधाएं दे पा रहे हैं क्या? जो कॉल ड्रॉप्स होते हैं, जो हमें आज की डेट में 4G के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं और दिया जाता है 2G का स्पीड,
और 90% जगह पे हमारा इंटरनेट सेवाएं नहीं चलती हैं, इसके बारे में कुछ बात बताई जा रही है क्या? जब हमारा घर के अंदर बेसमेंट में या कहीं अंदर के रूम में नेटवर्क नहीं आता है और फोन कट जाता है इंपॉर्टेंट कॉल, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसके बारे में कोई कंपनी नहीं सोच रही है, लेकिन अपने प्रॉफिट के बारे में और अपने कैसे रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए, जनरेट किया जाए, उसके बारे में हर कोई सोच रहा है। आप मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज लाइक करते हुए इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना कि आप लोग जागरूक बनिए, और जागरूक बनने के साथ बस इतना मत सोचिए कि फोन कॉल ड्रॉप हो गया या फिर आपका जो नेटवर्क है वो स्लो चल रहा है या फिर आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, पैसे ज्यादा चार्ज कर दिया गया तो चुपचाप बैठ जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना है सर। आपको उसके बारे में ट्वीट करना है, आपको उसके बारे में मेल करना है, आपको उसके बारे में फेसबुक पे डालना है, और हर जगह एक मुहिम के तौर पर इसको लीजिए, क्योंकि आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। कंपनीज अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट को देख रही है, आप लोग हम लोग कब अपने प्रॉफिट को देखेंगे? तो कोशिश कीजिए कि आगे आइए और चीजों को शेयर कीजिए कि आप जितना पे कर रहे हैं क्या उस हिसाब से आपको आज की डेट में सुविधाएं दी जा रही है। आपके इंटरनेट स्पीड क्या है आपके एरिया में, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको 4G का स्पीड मिल रहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने जो ऑपरेटर है उसका नाम लिखिएगा, और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए कि लोगों तक ये पहुंचे, और खबर ये निकलनी चाहिए और लोगों तक ये आनी चाहिए कि इस बात में हमें सोचना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। टाइम के अंदर और भी वीडियो में लेके आने वाला हूं। ये बहुत बुरा हो रहा है हम सभी के साथ।